ग्राम झोलर सहित अन्य ग्राम के विस्थापित आदिवासियों को नहीं मिला मुआवजा, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, दी चेतावनी। बैयर विधानसभा क्षेत्र के काना कॉरिडोर से लगे लगभग 10 ग्राम जिसमें झोलर, अजानपुर, सुकड़ी, जामी, लिंगा, रोल, मिटली आदि शामिल है, जिसमें लगभग 500 परिवार के विस्थापित आदिवासियों को आज तक शासन प्रशासन द्वारा विस्थापन राशि लगभग 10 लाख रुपए नहीं मिलने से राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा संगठन के बैनर तले बैयर में प्रदर्शन कर वर्तमान बैयर विधायक संजय सिंह वीके एवं पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए एसडीएम को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और चेतावनी देते हुए कहा गया कि 10 दिन के भीतर मुआवजा की राशि नहीं मिलने पर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बीएनएन टाइम्स के लिए बालाघाट से ध्रुव शरणागत की रिपोर्ट। एसटी एससी ओबीसी का विस्थापन बंद करो। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। हाईवे प्रोजेक्ट से विस्थापन बंद करो। हाईवे प्रोजेक्ट से विस्थापन बंद करो। माना कैसी राष्ट्रीय उद्यान से ट्रेन आ रही है।